वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो अब जिनका भी NHM MP के लिए, UP के लिए, झारखंड CHO के लिए और GMC के लिए पेपर होने वाला है, उड़ीसा में OSSC का पेपर है, CHO का पेपर है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ऑल फॉर वन क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको ऑल ओवर सभी स्टेट वाइज जो भी सिलेबस हैं उनके अकॉर्डिंग MCQs प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा सेकेंड ऑफिशियल चैनल जो कि सेम नाम से बट शॉर्ट्स वीडियो रहेंगे, तो उसमें मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स नाम से 5-5 मिनट के वीडियो रहेंगे, जिसमें आपको पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को लेके आपके डाउट्स हैं जो क्लियर किए जाएंगे 5 मिनट में, तो उसकी लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सेम नाम से भी आपको है जो अवेलेबल हो जाएगा उसमें। आज है जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा टॉपिक्स वाइज आप लोग कमेंट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। ऑफिशियल ऐप ऑलरेडी अपडेट है प्ले स्टोर में, तो आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए, मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से अवेलेबल है। तो यहाँ पर सीरीज फर्स्ट डेली, मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ पर्सनल रीजन से कंटिन्यूस क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ पर जिनका भी अलग अलग आप एग्ज़ाम देने वाले हों, तो आपके सिलेबस वाइज यहाँ पर सभी टॉपिक हैं जो कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा हार्मोन है, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को फर्स्ट 6 वीक तक प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा। ऑप्शन में प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर डेसिडुआ बेसिलिस। तो फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए क्या कहा जाता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, बिना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट 6 वीक तक है जो प्लेसेंटा तो बनाएगा नहीं है हार्मोन, आफ्टर 6 वीक प्लेसेंटा बनाएगा है हार्मोन, लेकिन फर्स्ट 6 वीक तक कौन सा स्ट्रक्चर इसको रिलीज करेगा, तो वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कौन? ओवरीज का कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। यदि यहाँ पर पूछे कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो है ओवरी का ही पार्ट है जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा पहले 6 वीक तक, फर्स्ट 6 वीक तक। आफ्टर दैट जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कौन रिलीज करेगा, प्लेसेंटा। तो यदि इनिशियल प्रेगनेंसी में पूछे, फर्स्ट 6 वीक में पूछे तो कॉर्पस ल्यूटियम, आफ्टर 6 वीक पूछते हैं तो प्लेसेंटा, और नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यदि हार्मोन पूछे तो कौन है, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन दैट ओनली प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन से हार्मोन है जो ओनली प्रेगनेंसी में बस प्रोड्यूस होंगे, विदाउट नॉन प्रेगनेंट स्टेट में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। ऑप्शन में है एस्ट्रोजन, SCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG एंड रिलैक्सिन। तो ये तीनों हार्मोन हैं, इनमें से कौन से हार्मोन हैं जो ओनली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं। तो एस्ट्रोजन तो विदाउट प्रेगनेंसी भी होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को आप है जो नहीं मानेंगे। सेकेंड में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन ये नॉर्मल वे में भी रहेंगे आपकी बॉडी में, लेकिन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ओनली तीन हार्मोन हैं जो कि प्रेगनेंसी में रिलीज होंगे। क्वेश्चन आप है जो अपने दिमाग में सेट करके रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में ओनली प्रेगनेंट स्टेट में वुमेन इन हार्मोन को रिलीज करेगी, वो होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर तीनों हार्मोन है ओनली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होंगे, तो आपको ये तीनों के नाम है जो याद रखना है। रिलैक्सिन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को है जो कंट्रोल करने का काम करेगा प्रेगनेंसी में। HCG को लेके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फर्स्ट आता है कि जब जो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब HCG है जो 2 पिंक लाइन आएंगे, तो वो भी आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर जो HCG है, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन होती है, वो भी HCG के एक्सेस रिलीज होने के कारण होगी। यदि HCG का लेवल ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होगा, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग है। नेक्स्ट वन इज
करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन इज, तो बच्चों में पिन्ना होल्ड करते हैं हम कोई भी मेडिसिन इंस्टिल करने के लिए, तो ईयर में जो मेडिसिन हम डालते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन। तो यहाँ पर जब ईयर में मेडिकेशन डालना है या फिर हमें ईयर इरीगेशन करना है तो पिन्ना को आप किस तरीके से होल्ड करेंगे बच्चों में, चिल्ड्रंस में। ऑप्शन में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो इनकेस आपसे बच्चों में पूछें तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड कैसा करना है, पहले नीचे की तरफ देन आफ्टर पीछे की तरफ। यदि यही चीज़ एडल्ट में पूछें तो पहले ऊपर की तरफ देन आफ्टर द पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों कि बच्चों में डाउनवर्ड बैकवर्ड और बड़ों में एडल्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं पेयर्स में, ये जनरली UPPSC के एग्जाम मेनली आते हैं, केरला PSC का भी एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से आपको गलत पेयर पहचानना है कि कौन सा है। BCG ट्यूबरक्लोसिस इंट्राडर्मल, DPT पर्टुसिस सबकटेनियस, MMR रूबेला सबकटेनियस, OPV पोलियो ओरल। फर्स्ट ऑप्शन है BCG, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन, फुल फॉर्म याद रखें आप, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन ट्यूबर क्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है और जो कि इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली ओनली एक है, सिंगल वैक्सीन ही है, तो आपको नाम याद रखना और रूट याद रखना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर DPT पर्टुसिस सबकटेनियस, तो DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये पर्टुसिस के लिए भी दी जाती है क्योंकि इसमें पर्टुसिस कंटेंट है, लेकिन ये इंट्रामस्कुलर दी जाती ना कि सबकटेनियस। MMR रूबेला और सबकटेनियस तो बिल्कुल करेक्ट पेयर है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए ओरली दी जाती है, दो बूंद जिंदगी की। यदि यहाँ पर आपको अब याद रखना है DPT दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लेटरलिस मसल्स में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको वास्टस लेटरलिस मसल्स में इंट्रामस्कुलर जितनी भी वैक्सीन होंगी इंजेक्शन होगी बच्चों में वो दिए जाते हैं इन्फेंट पीरियड में। अब यहाँ पर यदि आपको ओरली दी जाने वाली वैक्सीन के नाम याद रखना है तो OPV और रोटा वायरस, ये दोनों ओनली वैक्सीन ओरली दी जाती हैं। MMR सबकटेनियस दी जाती है और BCG इंट्राडर्मल दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द मेन सिम्टम ऑफ अ चोकिंग इमरजेंसी इज, तो यदि चोकिंग है तो मेन सिम्टम कौन सा होगा। इनएबिलिटी टू स्पीक, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ड्राइनेस ऑफ माउथ या फिर अनकॉन्सियसनेस। तो यदि किसी को खाते खाते कुछ भी यदि फंस गया हो गले में, चोकिंग की सिचुएशन हो गई हो या फिर कुछ खा लिया हो इस तरीके से कि वो फंस जाए, तो इमरजेंसी में यदि चोकिंग है तो मेन सिम्टम क्या होगा, तो होगा इनएबिलिटी टू स्पीक, पर्सन बोल नहीं पाएगा। अब यहाँ पर यदि इमरजेंसी में चोकिंग का सिम्टम पूछा तो आपको पता है, लेकिन आपको तीन तरीके यहाँ पर याद रखने हैं। यदि एडल्ट्स में पूछें क्या है, यदि एडल्ट्स में पूछें तो आपको क्या याद रखना है, हेमलिच मैन्यूवर नाम याद रखना है, हेमलिच मैन्यूवर, जिसमें आपको 5 बैक ब्लो एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देने होंगे। यदि चिल्ड्रंस में पूछें, चिल्ड्रंस में भी 5 बैक ब्लो और 5 चेस्ट थ्रस्ट, लेकिन चिल्ड्रंस में ये चीज़ क्या करना है, बिठा के की जाएगी। और यदि बात आती है इन्फेंसी पीरियड में, किसमें आती है, इन्फेंसी पीरियड में, तो बच्चे को अपने नी के ऊपर घुटने के ऊपर, ये देखिए जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, आपकी जो फिस्ट है वहाँ से आपको 5 बैक ब्लो देना है, हील ऑफ हैंड सॉरी जो हाथ की आपकी हील है उसको यूज़ करके बच्चे को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में, कहाँ पर, शोल्डर ब्लेड के बीच में आपको क्या करना है, 5 बैक ब्लो देना है। देन आफ्टर आपको सीधा करके चेस्ट थ्रस्ट देना है 5 टाइम, और जो ब्रेस्ट बोन है यहाँ पर कंप्रेस करना है आपको कितना, 1.5 इंच, कितना, 5 बार। तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यदि चोकिंग एडल्ट्स में है तो हेमलिच मैन्यूवर से आप ट्रीट करेंगे, इन्फेंसी में है तो 5 बैक ब्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। नेक्स्ट वन इज अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर इज कॉल्ड, तो एक थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में, तो क्या है। ऑप्शन है यूएस्टेचियन ट्यूब, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटरी ऑसिकल। तो यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट का है, देखिए मिडिल ईयर और आउटर ईयर क्या है,
मिडिल और आउटर के बीच में जो एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ईयरड्रम, क्या कहेंगे, ईयरड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि इन दोनों के बीच का पार्टीशन है। यहाँ पर जो ऑडिटरी ओसिकल है, ऑडिटरी ओसिकल ये क्या है, ये मिलियस इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, तो यहाँ पर आपको इनके नाम याद रखना है। और कानों का काम यदि पूछें तो बॉडी बैलेंस, सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस को बनाने का काम भी यही करते हैं, क्योंकि जो वेस्टिव कोक्लियर नर्व है, जो कोक्लियर नर्व है क्या करती है, बॉडी बैलेंस बनाने का काम करती है। और यदि यहाँ पर और आपको डीपली याद रखना है तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मेडिसिन को लेके बनते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पॉइंट एट विच द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ऐसा पॉइंट आपको बताना है जहाँ जो ट्रैकिया है, वाइंड पाइप है जिसको हम कहते हैं, ये दो जगह डिवाइड होती है, लेफ्ट लंग में राइट लंग में, जो क्या करेगा प्राइमरी, सॉरी राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। तो वो पॉइंट क्या है, हाइलस, लोब्स, कार्डियक नोच या फिर करीना। तो जब ट्रैकिया दो जगह डिवाइड होगी, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, तो ये क्या कहलाती है, करीना। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ट्रैकिया यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट लंग के लिए राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग के लिए लेफ्ट ब्रोंकाई। तो यहाँ पर जब डिवाइड होती है तब ये क्या कहलाएगी, करीना। अब आपको लंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो लोब्स को लेके कंफ्यूजन हो, यदि आपको कुछ भी इस तरीके का हो, तो जो हमारा सेकंड चैनल होगा उसमें आपके दो दो तीन तीन मिनट में पूरे कंफ्यूजन क्लियर किए जाएंगे सेपरेटली। तो यहाँ पर यदि लंग्स में लोब की बात करें तो टोटल 5 लोब होंगे, राइट साइड 3 लोब, लेफ्ट साइड 2 लोब, अपर एंड लोअर। तो लेफ्ट लोब क्या होगा, थोड़ा छोटा होता है, और क्यों हो गए, क्योंकि हार्ट को स्पेस देने के कारण। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो पार्ट है, देखिए सेकंड इमेज, तो ये जो यहाँ पर रिंग्स दिख रही हैं आपको, क्या कहलाते हैं, करीना, या फिर कैरीना भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमनियोस इन अ वूमेन विथ जेस्टेशनल डायबिटीज। तो यदि किसी वूमेन को क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो हाइड्रोमनियास होने के चांसेस क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन में है, इंक्रीज ट्रांसड्यूशन, फीटल डायोरेसिस, अब्सेंस ऑफ स्वालोइंग रिफ्लेक्स इन फीटस, या फिर हाइपरप्लासिया ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हाइड्रोमनियास क्यों डेवलप हो रहा है यदि लेडी को क्या है, ऑलरेडी डायबिटिक है, वो भी जेस्टेशनल की ओनली प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है हाइड्रोमनियास, तो किसके कारण हो गए होगा, फीटल डायोरेसिस के कारण। क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोमनियोस का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेवल में क्या बनना, एमनियोटिक फ्लूड होना, और ये फीटल डायोरेसिस है जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। हाइड्रोमनियोस की जगह पॉलीहाइड्रोमनियोस भी टर्म आपको आ सकता है, दोनों सेम है, हाइड्रोमनियोस और पॉलीहाइड्रोमनियोस। तो यहाँ पर जब जो वर्टिकल पूल है या फिर ये कह सकते हैं कि जो AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है, अबव 24 जाएगा, जो कि 25 माना जाता है, तब क्या कहलाता है, हाइड्रोमनियोस। और इसका मेन रीजन क्या होता है, फीटल डायोरेसिस। क्या होगा, फीटल डायोरेसिस। नेक्स्ट वन इज अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनियाज। तो कौन से फैक्टर हैं, कौन से रीजन है जो पर्सन को नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के कारण बन सकते हैं। ओरोफेरेंजियल कॉलोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यूज ऑफ एनजी ट्यूब, या फिर यूज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया है। तो नोजोकोमियल निमोनिया, दूसरा नाम क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है, और जो बढ़ावा देगा इस डिसीज को होने के लिए, तो वो होगा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, नोजोकोमल निमोनिया। यदि बात की जाए कौन सा नोजोकोमल निमोनिया की, तो क्यों होगा, वो होगा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के कारण। यदि पर्सन एटलीस्ट 48 से 72 घंटा हो गए हों, 48 to 72 आवर तक एडमिट हुए उसको हो गए हों, तो ये किसके कारण होने के चांसेस होंगे, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के कारण। नेक्स्ट वन इज अ 6-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इज द सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाय द नर्स। तो यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है,
तो आप यहाँ पर डेली है जो क्या चीज़ चेक करेंगे, ऑप्शन में चेकिंग द टेम्परेचर, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, मेजरिंग मिडान सर्कमफेरेंस या फिर चेकिंग कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो यहाँ पर यदि बात की जाए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो यदि किसी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इवन यदि एडल्ट्स को भी पूछते हैं, तब भी आपको क्या चेक करना है, इनटेक आउटपुट। क्योंकि यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है, किडनी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिलीज करेंगी, बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन द यूरिन, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिलीज करती है यूरिन में। और जब भी बात यदि आपको किडनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम की पूछी जाती है, यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी फेलियर पूछ सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले यदि इस तरीके के ऑप्शन आते हैं तो इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना सबसे पहले देखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एंटीडॉट यूज्ड इन आयरन टॉक्सिटी इज, तो इनकेस आयरन ओवरडोज हो जाता है तो आप क्या देंगे एज एन एंटीडॉट के तौर पर, एन एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन, चारकोल या फिर डिफ्रॉक्सामाइन। तो यहाँ पर आप क्या देंगे यदि आयरन है जो ओवरडोज हो जाएगा तो यदि इनकेस आयरन ओवरडोज हो जाता है तो आप यहाँ पर क्या देंगे पर्सन के लिए, यदि आयरन ओवरडोज होता है तो हम क्या देंगे यहाँ पर डिफ्रॉक्सामाइन, क्या है डिफ्रॉक्सामाइन। और यदि पैरासीटामॉल पॉइजनिंग आती है, पैरासीटामॉल और एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग होती है, तो हम क्या देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन। यदि आपको ऑल ओवर या फिर ये कह सकते हैं यूनिवर्सल एंटीडॉट पूछे तब आपको क्या कहना है चारकोल। नेक्स्ट वन इज येलो कलर कोड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, तो येलो कलर कोड है किस टाइप के वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लासवेयर, बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक या फिर सार्क। तो येलो कलर कोड यूज़ किया जाता है बॉडी पार्ट्स को डिस्कार्ड करने के लिए। बॉडी पार्ट्स का मतलब है प्लेसेंटा हो गए, एम्पुटेटेड ऑर्गन हो गए कुछ भी, या फिर ब्लड से रिलेटेड गॉज हो गए, वो सभी किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे येलो कलर में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट एज अ सेफ साइट फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो यहाँ पर एडल्ट की बात हो रही है, एडल्ट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सेफ साइट कौन सी है, बेस्ट सेफ साइट, वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सल ग्लूटियल या फिर रेक्टस फीमोरिस। तो एडल्ट में बात की जा रही है यदि सेफ साइट पूछते हैं हम IM इंजेक्शन के लिए, तो वो है वेंट्रोग्लूटियल साइट, क्या है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स और वेंट्रोग्लूटियल साइट्स। यदि बात की जाती है इन्फेंट में तो क्या होगी वास्टस लेटरलिस साइट। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा, तो डेटा दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर बताना है आपको ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है, ऑप्शन में ईचिंग, नोसिया, फीलिंग ऑफ वरी या फिर डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। तो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो क्या है ऑब्जेक्टिव डेटा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो कि आप डॉक्टर के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, साइज हो गई किसी भी चीज़ की, लोकेशन हो गया, कलर हो गया ड्रेनेज का, या फिर यहाँ पर कहा कि स्किन में डिसकलरेशन दिख रहा है। जो चीज़ें एग्जामिनर ऑब्जर्व कर पा रहा है उनके लिए हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव डेटा, और जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है आपको वो क्या कहलाएगा सब्जेक्टिव डेटा। जैसे कि पेशेंट कहेगा कि उसको वोमिटिंग फील हो रही है, आप देख सकते हैं कि आपको ये थोड़ी पता रहेगा कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, जो चीज़ें पेशेंट फील कर रहा है बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, वो क्या कहलाएगा सब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्विक्स में एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी तो ये क्या कहलाएगा, ओसिएंडर साइन, गॉडेल साइन, चैडविक साइन या फिर पिकाकेक साइन। तो ये सभी साइन मैंने आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स पढ़ाए हुए होंगे। तो एक्सट्रीमली सर्विक्स सॉफ्टनिंग क्यों होगी, इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण, और ये साइन क्या कहलाएगा गॉडेल साइन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदर्स, तो मदर के लिए जो एलिमेंटल आयरन जो आयरन टेबलेट दी जाती है तो उसमें एलिमेंटल आयरन कितना होता है, 50 mg, 60 mg या फिर 60 mg। तो यहाँ पर बात की जा रही है एलिमेंटल आयरन की, तो आयरन टेबलेट में एक आयरन टेबलेट में जो
एलिमेंटल आयरन होता है वो होता है 60 mg। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कॉम्बैट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी इज, यदि MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है तो क्या है जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज किया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। यदि MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है किसी पर्सन में तो MgSO4 किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट में, किसमें, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, MgSO4। यदि इसकी टॉक्सिटी होती है, ओवरडोज होती है, तो हम क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज, तो यहाँ पर है कि जब अम्बिलिकस है जनरली सेंटर से है जो रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगी, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, वेलामेंटस, वेटल डोर, सक्सिनेटर या फिर मार्जिनल। तो जब अम्बिलिकस कहाँ से इंसर्ट होगी, मेम्ब्रेन से, तो ये क्या कहलाएगा, वेलामेंटस इंसर्शन, क्या कहलाएगा, वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने तरीके से इफेक्टिव है या फिर कितनी फेलियर हुई है, वो सभी चीज़ों के लिए क्या है जो यूज़ किया जाएगा, वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स यूज़ किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, दैट मीन्स आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की है तब भी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, पर्ल इंडेक्स, या फिर ये कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी और फेलियर के लिए जो इंडेक्स यूज़ किया जाता है वो क्या है, पर्ल इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द वेल बेबी क्लिनिक फॉर बूस्टर डोज ऑफ DPT वैक्सीन, विच अमंग द फॉलोइंग मसल इज प्रिफर्ड बाय द नर्स टू एडमिनिस्टर वैक्सीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि वेल बेबी क्लिनिक में, और PSC भी आ सकता है आपको कि DPT का बूस्टर डोज लगना है, 18 मंथ एज है बच्चे की, तो यहाँ पर आप जो वैक्सीन देंगे किस रूट से, किस मसल्स में देंगे, क्योंकि DPT पता है IM देते हैं, तो कहाँ देंगे, वास्टस लेटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज कॉन्स्टेंट एंड रिलायबल इन एन इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में कौन सा साइन है जो कि कॉन्स्टेंट है और रिलायबल भी है, जिससे फाइंड आउट होगा कि पर्सन को इन्फेक्शन है। तो ऑप्शन में डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग या फिर ब्लीडिंग। तो इन्फेक्शन के जो कार्डिनल साइन होते हैं तो उनमें से एक क्या है, वो है फीवर, क्या है, बॉडी टेम्परेचर, क्या होगा, फीवर और बॉडी टेम्परेचर जो कि कार्डिनल साइन है जो माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फीवर। कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो जो साइन होते हैं क्या है, रेडनेस जिसको हम रूबर कहेंगे, स्वेलिंग, ट्यूमर, हीट, कॉलर, और यहाँ पर पेन का मतलब है डॉलर, और कुछ भी फंक्शन लॉस होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लेसा, फंक्सलेसा। तो यहाँ पर मेनली आपको जो याद रखना है कार्डिनल साइन वो क्या है, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन। तो यहाँ पर इनके रूबर, ट्यूमर, डॉलर, ये क्या रखना है आपको, इनके नाम याद रखना है। तो यदि कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो क्या होगा, फीवर होगा आपकी बॉडी में, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग होगी, तो ये सब क्या है, इन्फेक्शन के साइन हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लडी सैंग्वेनियस डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स, तो इनमें से क्या है जो निपल्स से, ब्रेस्ट निपल्स से क्या होगा, कोई ब्लड और फिर सैंग्वेनियस पस रिलेटेड डिस्चार्ज निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऑप्शन में है इंट्राडक्टल पैपिलोमा, इंट्राडक्टल कैंसर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर डक्ट एक्टेसिया। सैंग्वेनियस डिस्चार्ज के लिए, ब्लडी डिस्चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी वो होंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बाकी यदि डक्ट्स में कोई कैंसर है तो निकल सकता है, पेपिलोमा है तो भी हो सकता है, और डक्ट एक्टेसिया तब भी है जो ब्लड या फिर कुछ भी पस रिलेटेड सैंग्वेनियस है जो ऑर्डर स्मेली है क्या रहेंगे, डिस्चार्ज निकल सकते हैं, बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज What should the nurse do first when a male client is having a tonic-clonic seizure? तो यदि किसी मेल क्लाइंट को tonic-clonic seizures आते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, रीस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म्स एंड लेग्स, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड या फिर टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी।
यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं तब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी चाहे एक्लेम्प्टिक फिट्स आए या फिर फिट्स आए सीजर्स आए या फिर यहाँ पर पर्सन को एपिलेप्सी कुछ भी हो सीजर्स रिलेटेड, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनेगी कि पर्सन को इंजरी से प्रिवेंट करना। यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या हो कि आपको एयरवे मेंटेन करना है तब आप कह सकते हैं, लेकिन सीजर्स के पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें उसको इंजरी से बचाना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर इज डेजिग्नेटेड एज हाइपोथर्मिया, तो इनमें से हाइपोथर्मिया के लिए कौन सा बॉडी टेम्परेचर कंसिडर किया जाएगा। हाइपो का मतलब होगा बॉडी टेम्परेचर डाउन जाना। ऑप्शन में 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाइपोथर्मिया के लिए जो एक डेजिग्नेटेड टेम्परेचर है वो कितना होगा, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। कितना, 35 डिग्री से कम है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या है पेशेंट को, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर गॉम्स क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट पर एज कम्स अंडर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन वेन कम्पेयर्ड विद द हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर माल न्यूट्रीशन के लिए गॉम्स क्लासिफिकेशन और हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड माना गया, लाया गया है। तो कहा गया है कि वेट पर एज, क्योंकि गॉम्स क्लासिफिकेशन में किससे चेक किया जाता है माल न्यूट्रीशन, वेट पर एज, एज के अकॉर्डिंग वेट कितना है, तो थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन में क्या आएगा। ऑप्शन में 90 to 110% ऑफ स्टैंडर्ड, 60 to 74% ऑफ द स्टैंडर्ड, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड या फिर 75 to 19% ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर वेट पर एज की बात हो रही है, थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन है तो हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड को यदि कंपेयर किया गया लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड जाता है, थर्ड डिग्री पूछते हैं माल न्यूट्रीशन तो कितना होगा, जब 60% ऑफ द स्टैंडर्ड से भी कम होगा तब। तो गॉम्स क्लासिफिकेशन यदि पूछे तो ओनली वेट फॉर एज के लिए ही यहाँ पर लिया जाता है, हाइट यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एडिमा है जो ओनली थर्ड डिग्री में ही देखने को मिलेगा, क्या है और जो डिग्री क्या है, नॉर्मल वेट फॉर एज क्या रखा जाता है, तो वेट फॉर एज का मतलब है एज है जो आपकी उम्र के हिसाब से वजन होना, तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है कितना, मोर देन 90% तक। फर्स्ट डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंसिडर किया जाएगा जब वेट फॉर एज कितना हो, 75 to 90%। सेकेंड डिग्री पीएम कंसिडर किया जाएगा 60 से 75, 60 to 75%। थर्ड डिग्री में होगा लेस देन 60%। गॉम्स क्लासिफिकेशन एग्जाम में आपको आता है तो किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए, और इसमें वेट फॉर एज है जो इंक्लूड की जाती है, हाइट का यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेंथोलेटेड ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो मेंथोलेटेड ड्रग्स है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में रहेगा। ऑप्शन में लो बैक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्रोकन स्किन या फिर स्प्रेन। तो जो मेंथोलेटेड ड्रग है जनरली क्या होता है, किसी को लो बैक एक हो या फिर जो मूव वगैरह आती है, स्प्रे वगैरह आते हैं, इनमें क्या होता है, मेंथोलेट रहेगा। तो यहाँ पर मेंथोलेटेड स्प्रेड फॉर्म में भी आ सकता है या फिर यहाँ पर जो मेंथोल है इसमें क्या रहेगा, यदि पर्सन को कहीं पर भी कुछ ब्रोकन स्किन है वहाँ पर यदि आप स्प्रे करते हैं लगाते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जलन टाइप से होगी, इरिटेशन होगा, इसीलिए क्या रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। जो मूव आती हैं, जो स्प्रे आते हैं दर्द के लिए, उसमें क्या रहता है, मेंथोल रहेगा। लो बैक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्प्रेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। ईजी क्वेश्चन है, ICDS में क्वेश्चन है, ICDS में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं किस एज ग्रुप के लिए। ऑप्शन है 12 to 14 years, 8 to 10 years, 7 to 9 years या फिर 3 to 6 years। तो ICDS प्रोग्राम के तहत चारों सर्विसेज दी जाती हैं 3 to 6 years के बच्चों में, जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, इनके लिए 3 to 6 years के बच्चों में। नेक्स्ट वन इज
और लॉन्च कब हुआ था यदि पूछें तो कब, 1975 में। एग्जाम में इसका लोगो भी आता है, फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप भी आ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में ड्रग किट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कौन सा उसमें क्या रहेगा, कंटेंट नहीं होगा। तो सब सेंटर में किट ए और किट बी, दो तरीके की किट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑप्शन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, विटामिन ए सॉल्यूशन, टैबलेट पैरासिटामोल या फिर टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल। तो जो यहाँ पर किट में प्रोवाइड नहीं होता वो होती है टैबलेट पैरासिटामोल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब सेंटर में तो दोनों किट होती हैं, किट ए और किट बी, इनमें क्या क्या रहेगा। सब सेंटर में किट ए किट बी राइट, तो यहाँ पर किट ए में क्या क्या रहेगा, ORS रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज और स्मॉल दोनों टाइप की टैबलेट होगी, विटामिन ए होगा और कॉट्रीमैक्सोल होगा, ये होंगे, लेकिन पैरासिटामॉल इसमें इंक्लूड नहीं होगी। किट बी की बात करें, किट बी में पैरासिटामॉल होती है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि किट ए में जो सब सेंटर में कौन सा कंटेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर किट ए में जो कंटेंट नहीं होगा वो होगा पैरासिटामॉल। किट बी की बात करें तो इसमें मिथाइल अर्गोमेट्रिन मैलेट होगा, पैरासिटामॉल होगा, मिथाइल अर्गोमेट्रिन की टैबलेट इंजेक्शन दोनों होंगे, मेबेंडाजोल होगा, डाइसाइक्लोमाइन होगा, प्रोविडीन के जो 5 ट्यूब दिए जाएंगे, सेट्रेमीट पाउडर होगा, कॉटन बैंडेज होगा, लेकिन किट ए में पूछें तो पैरासिटामॉल यहाँ पर ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर यहाँ पर नॉर्मल रेशियो पूछा है, तो पल्स प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, 1/2/3, 2/3/4, 4/3/2 या फिर 3/2/1। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर निकलेगा, नॉर्मल रेशियो की बात कर रहे हैं हम, कितना होगा, 3/2/1। ऐसा क्यों, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40, कितना आएगा, 40। अब इनको हम क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो निकल के आएगा। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक, अब यहाँ पर रेशियो की बात आ रही है तो कितना निकलेगा, 3/2/1 राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट। तो किसी एडल्ट पर्सन का ओरल टेम्परेचर कितना होगा, 91.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.6। नॉर्मल एडल्ट का जो ओरल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो इनमें से वायरल वैक्सीन कौन सी है, टिटनस टॉक्साइड, वैसिलाई कालमेटिग्यूरिन दैट मीन्स BCG, कोलेरा या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन। तो टिटनस टॉक्साइड, BCG और कोलेरा ये क्या है, बैक्टीरियल हैं, लेकिन वायरल यहाँ पर क्या है, पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन देखिए कि लिवर से एडिपोज टिश्यू में जो फैट का डिपोजिशन होता है वो कहाँ पर होता है, एडिपोज टिश्यू में। अब लिवर से एडिपोज टिश्यू में ले जाके जो फैट रख रहा है, जो ये काम कौन करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल करेगा। क्यों, क्योंकि लिवर में नहीं ले जा रहा है ताकि लिवर क्या करेगा, मेटाबोलाइज होकर बाहर निकालेगा, लेकिन उल्टा लिवर से एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा कर रहा है। तो ये काम कौन करेगा, HDL, LDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एडिपोज टिश्यू में क्या कर रहा है, ले जाके जमा रहा है, तो ये क्या है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स। तो एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है एड्स के पेशेंट में, वो कौन सा है, डेलीरियम, एड्स डिमेंसिया, ऑर्गेनिक हेल्यूसिनोसिस या फिर ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हो रहा है एड्स के पेशेंट में वो क्या है, डेलीरियम, क्या होगा, डेलीरियम। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर न्यूबॉर्न वेटिंग 2000 to 3000 ग्राम। न्यूबॉर्न का वेट नॉर्मल बताया है, अब यहाँ पर ET ट्यूब की साइज कितनी होगी, 3, 2.5, 4 या फिर 3.5।
एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज की बात की जा रही है, यदि बच्चे का वजन 2000 से लेकर 3000 ग्राम के बीच में है तो कितनी होगी, 3.5। नेक्स्ट वन इज नो नॉट मी, रिएक्शन ऑफ पेशेंट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रीफ की जो कुबलर रॉस थ्योरी है वो है यहाँ पर टर्मिनल पेशेंट है। पर्सन डिनाइक यहाँ पर कह रहा है कि नो नॉट मी, मैं नहीं हो सकता। तो क्या है, एक्सेप्टेंस है, बार्गेनिंग है, डिनाइल है या फिर एंगर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। कल क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।